हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके छुट्टी जान पे। इसका नाम है अंकित सिंह यार, एमबीए में सीटी 2023 के स्टूडेंट हो। तो यार आप लोग को बता दूं यार कि क्या डॉक्यूमेंट आपको कल एग्जाम में साथ में आपके लेके जाना है, वो भी यार एक बार बता दूं आप लोग को, तो ज्यादा टेंशन नहीं होगा। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ऑन द एमबीए सीटी एग्जाम डे, तो प्रोवाइडेड बिलो इज अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपको एमबीए सीटी के एग्जाम के दिन लेके जाता है। कैंडिडेट शुड नोट दैट नो अदर डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट दिस डॉक्यूमेंट विल बी अलाउड इनसाइड द एग्जाम सेंटर। इनके अलावा कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे तो वो नहीं चलेंगे। तो देखो, सीटी एमबीए सीटी के एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट भाई, अगर ये नहीं लेके जाओगे तब तो कुछ बचेगा ही नहीं, फिर तो एग्जाम ही नहीं देने मिलेगा। अब या तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, आधार कार्ड विद फोटो हो, वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो, बैंक पासबुक हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी आईडी विद फोटो, एम्प्लॉय आईडी विद फोटो, बार काउंसिल आईडी विद फोटो, स्क्राइब फ्रॉम फॉर्म फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब इनमें से आपके कोई भी सर्टिफिकेट आपके, जैसे कोई भी जो आपका, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, इनमें से कोई भी आपके पास होना चाहिए, कोई ना कोई तो जरूर होना चाहिए। मैं तो बोलूंगा पैन कार्ड लेके जाओ, पैन कार्ड अगर है तो ठीक है, आधार कार्ड या पैन कार्ड में से ठीक है, बाकी ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी लेके जा सकते हो। और कॉलेज यूनिवर्सिटी की आईडी की फोटो है तो वो जरूर लेके जाओ, पर उसके साथ पैन कार्ड भी लेके जाना ठीक है। कोई कोई होता है जो नहीं मानते, तो ये चीज है। ये सारे नहीं लेके जाने आपको, एक एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही है, उसके साथ कोई भी आपको आइडेंटिटी के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट लेके जाना जरूरी है। बाकी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। वीडियो एंड करता हूं, थैंक यू।